हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जीबिशन क्या होता है और ये लाइब्रेरी में किस तरह से बुक्स का डेमोन्स्ट्रेशन करता है। अब ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करती हूँ, फिर जो है इसका टॉपिक्स भी आपको कोरिलेट हो जाएगा दोनों चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि एग्जीबिशन में तो हम बुक्स को डेमोन्स्ट्रेट करते थे, लेकिन जो अब मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो भी इससे मिलता जुलता ही है। मतलब ये दोनों रूम्स करीब करीब आसपास ही होते हैं। तो ये सेकंड जो मेरा है, इसमें मैं मीटिंग रूम के बारे में बताऊँगी कि लाइब्रेरी मीटिंग रूम क्या होता है। ठीक है, अब मीटिंग रूम में क्या होता है, पहले हमने ये जाना था कि एग्जीबिशन में विजिटर और रीडर्स दोनों आते हैं। ठीक है, लेकिन जो मीटिंग रूम होता है उसमें विजिटर्स का या फिर रीडर्स का कोई रोल नहीं होता है। ये पूरा जो है लाइब्रेरी मीटिंग रूम फुली जो है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, लाइब्रेरी से का जो स्टाफ होता है उन सबकी मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स किसके लिए, जैसे बजट है, बजट का एलोकेशन करना है, उसके लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे, तो वो किया जाता है मतलब इसके लिए। लेकिन अभी इसमें रिसेंट एक चेंज आया है कि अब क्या है कि एग्जीबिशन में मीटिंग रूम में भी दो तरीके के मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। एक जो है मीटिंग रूम वो साइड सेपरेट रहता है, उधर क्या है सिर्फ स्टाफ का जाना अलाउड है। लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हर स्टाफ इंटरेक्ट होना चाहता है जनरल पब्लिक से, तो वो इस तरीके के प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग रूम में, ताकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को लाइब्रेरी की इम्प्रूव कर सके थ्रू रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अगर हम चाहें कि हम किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, स्पेशली हायर अथॉरिटी, तो उस केस में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा थिएटर होते हैं, तो थिएटर में क्या होता है कि सामने जो है वो लगा रहते हैं पिक्चर के लिए, उसके बाद पीछे ही क्या होता है ऑडियंस बैठी रहती है वहाँ देखते। तो उसी टाइप से क्या होता है, वो मीटिंग रूम के अंदर भी ऐसा ही सेटिंग अरेंजमेंट रहता है, जैसे मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी आपको बताया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो लोग बैठते हैं रीडर्स वगैरह, और सामने उसी टाइप का उसी डिज़ाइनिंग में पिक्चर हॉल टाइप का रहता है, वहाँ पर जो है हायर अथॉरिटी बैठी रहती है। तो वो लोग जो टॉपिक लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी करते हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती है, कैसे उसमें ग्रोथ की जा सकती है। तो उसके लिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि हमने ये लिया कि हम लाइब्रेरी सर्विस को, जैसे कंप्यूटर सर्विस में हम लेंगे पर्टिकुलरली कंप्यूटर फैसिलिटी, उसको किस तरह से इम्प्रूव करें। और तो जैसे ये क्वेश्चन तो मेरा प्रैक्टिकली रहा है, जब मैं लाइब्रेरी विजिट करने गई थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, तो वहाँ पे जो है मीटिंग रूम में ये डिस्कशन चल रहा था कि कंप्यूटर फैसिलिटी को कैसे डेवलप किया जाए। तो वो क्या है, रीडर्स से इस चीज़ के लिए पॉइंट्स जो है इनवाइट कर रहे थे कि आप अपना अपने अपने पॉइंट्स बताइए कि हम किस तरह से कंप्यूटर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं लाइब्रेरी के। तो उसमें पर्टिकुलरली मैंने ये कहा था कि यूज़र्स को अवेयर करना कंप्यूटर के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर की जो भी फैसिलिटीज़ है उसके लिए रीडर्स को एक सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है कंप्यूटर का यूज़ बढ़ेगा लाइब्रेरी में, क्योंकि विजिटर्स जो भी कॉमन रीडर्स आते हैं वो हर बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो वो क्या है कुछ मैनुअल वाले भी होते हैं बच्चे, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है कंप्यूटर में। आज भी इंडिया में इस तरीके के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर फैसिलिटी यूज़ नहीं करते, मतलब करते हैं लेकिन लिमिटेड है। तो अगर हम सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनको अच्छे से जो है उनको ट्रीट करेंगे, अच्छे से उनकी स्किल्स को ट्रीट करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा वो माना जाएगा।
बहुत ही अच्छा एक फैसिलिटी मानी जाएगी कि आप ये उनको दे रहे हैं। तो अब जैसे ये चीज़ हुई, तो फिर आप जैसे आपने ये कहा कि मतलब मैंने ये पॉइंट रखा था कि आपको मतलब रीडर्स को सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए और रीडर्स के नोटिस में लाना चाहिए कंप्यूटर सर्विस क्या। तो और इसमें मैंने एक पॉइंट और लिया था कि स्पेशली ओपेक की सर्विस, ओपेक क्या है, बहुत जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो कैटलॉग का फॉर्म होता है ऑनलाइन फॉर्म, वो मोस्टली रीडर को यूज़ ही नहीं कर रहा था, वो सीधे जो जनरल मतलब बच्चे आते हैं मतलब वो सीधे स्टाफ बैठा हुआ है उनसे पूछते हैं कि ये वाली बुक्स कहाँ मिलेगी, और जाकर वहाँ से बुक्स ले आते हैं अपने मतलब देखा पोर्ट पे और वो बुक्स ले आए। तो ओपेक का तो यूज़ ही नहीं पता बच्चों को किस तरह करना है, जो कॉमन बच्चे हैं। तो अगर स्टाफ जो है इतनी अच्छी सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, इतना एफिशिएंट है खुद से जो सेल्फ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो इससे कितने बच्चों को जो है अवेयरनेस आएगी कि हमें ये ओपेक नाम की भी चीज़ होती है और हमें इसे भी यूज़ करना होता है, इसके थ्रू हम अपनी बुक्स को कितनी आसानी से, कितना टाइम सेव करके अपना बुक्स को ले सकते हैं। जो बच्चे इतना टाइम लगाते हैं ढूंढने में किताबों को, समझने में कि हमें किस तरह से किताब लेनी पड़ेगी, तो उनको बच्चों को कितना बेनिफिट होगा इससे, वो कितना मतलब अवेयर होंगे कि देखो हमें यहाँ गए और बुक्स आराम से मिल गई। तो ये सब क्या है, ओपेक के थ्रू है ना। अगर आपको अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज है तो या स्टाफ इतना इनफली ट्रेंड है, तो आप इसको और मतलब बच्चों को इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, अवेक कर सकते हैं कि आप देखिए ओपेक यूज़ कीजिए। और मतलब उनको 3 एस्पेक्ट्स आप बता दीजिए कि ऑथर, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें पता होती हैं, ये बुक्स अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये 3 चीज़ें हर तरह से पता होती है, एक ऑथर और एक टाइटल और एक सब्जेक्ट्स, ये 3 चीज़ें हर बच्चे को पता होती है, हर चीज़ की बच्चे की नॉलेज में होती हैं। तो अगर इसके थ्रू सर्च कर रहा हम बच्चों को सिखा देंगे, उनको बता देंगे कि देखिए आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं, तो फिर क्या है, इससे स्टाफ का भी टाइम काफ़ी सेव होगा। बस उनको डायरेक्टली तो करना है, उनको बताना ही तो है कि आप ये ओपेक यूज़ करें। इससे क्या है, एक तो ICT से ज़्यादा अवेयर होंगे मतलब किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, उनके लिए एक नई चीज़ भी होगी कि ओपेक देखिए इस तरह का कैटलॉग भी होता है, जिससे वो पढ़ने में तो इंडिया का बच्चा बिल्कुल टॉप पर होता ही है। तो अगर हम उनको इस तरह से इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे कि देखिए ये इस तरह से ओपेक है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे अच्छे से तो आपको ये बुक्स आराम से अवेलेबल हो जाएगी, स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर नेक्स्ट टाइम, वो लोग अगर इस चीज़ को लर्न कर लेंगे और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेंगे तो वो अगली बार आएंगे तो उनको अवेक होंगे इतने कि वो स्टाफ की हेल्प लेंगे ही नहीं, वो सीधे जाके ओपेक के थ्रू सर्च करेंगे। तो ये इसके लिए स्टाफ को एफिशिएंट होना पड़ेगा ज़्यादा, और यही मैंने यही पॉइंट वहाँ पे रखा था कि स्टाफ इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि उसको खुद ओपेक के बारे में नॉलेज हो, और स्टाफ जब रीडर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा तो ये जो है उसके लिए भी यूज़फुल होगा, उसको भी बहुत सारी चीज़ें अपने वर्क से रिलेटेड पता चलेगी। और दूसरा रहा कंप्यूटर रूम जो होते हैं, कंप्यूटर रूम में भी मैं कहती हूँ एक स्टाफ नहीं असाइंड होना चाहिए, कम से कम 2 स्टाफ असाइंड होने चाहिए, एक तो वो जो एंट्री करवाते हैं वो वाला स्टाफ तो रहता ही रहता है, बट एक स्टाफ और होना चाहिए, वो सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से, कि अगर बच्चे आ रहे हैं उन्हें नहीं पता बेसिक सर्च किस तरह से करनी है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इतना एफिशिएंट होना चाहिए वो स्टाफ। तो ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है कि अगर एक स्टाफ रहेगा वहाँ पे जो बच्चों को प्रॉपर वे में मतलब गाइड कर पाएगा अंदर कि देखिए आप इस तरह से सर्च, देखिए आप इस तरह से सर्च, तो ये क्या है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल हो जाएगी और वो इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे। और कंप्यूटर से तो मतलब अवेयर होना ही चाहिए हर एक रीडर को, वो चाहे कॉमन रीडर की कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, उनको भी यूज़ करना आना चाहिए। लाइब्रेरी स्टाफ का बहुत रोल है यहाँ, उधर मैंने ये पॉइंट बोला था
कि आप ना ज़्यादा स्टाफ असाइन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, सर्विस प्रोवाइड अच्छे से होती होगी। तो ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है कि हम किस तरह से ये मतलब सर्विस हमें प्रोवाइड करें। तो मैंने ये दो पॉइंट मीटिंग एज ए लीडर दिए थे मीटिंग हॉल में, वहाँ बोला था। तो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट हो गया मीटिंग रूम का, तो उन्होंने मेरा पॉइंट लिया, मतलब हायर अथॉरिटी ने उसको गेन किया और उन्होंने मुझे एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप जो है अगर अवेकेंट रीडर हैं लाइब्रेरी फील्ड में तो आप प्लीज़ हमारे स्टाफ को गाइड करिए कि वो इस तरह से कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड करें। मीटिंग हॉल में हायर अथॉरिटी ने कहा था जो स्टाफ आगे बैठा हुआ था उनको कि आप इनसे बोलिए। तो मतलब ये चीज़, ये पॉइंट जो है वाकई एक अवेकन पॉइंट था और टेक्निकल पॉइंट था, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी, इस चीज़ को समझा और फिर स्टाफ को भी उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दिए। और जब मैंने बाद में स्टाफ से इंटरेक्ट किया तो उनको ये सारी चीज़ थोड़ा सा सर्विस मैंने बताई किस तरह से देनी चाहिए, क्योंकि मैं एज अ रीडर वहाँ जाती थी। तो ये तो हायर अथॉरिटी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पॉइंट हो गया कि हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रीडर्स का ये पॉइंट्स लिया कि इस तरह से क्या इसमें ये सारे सर्विस इस तरह से एफिशिएंटली प्रोवाइड किया। एक होता है ये तो हमारा रीडर से इंटरेक्शन पॉइंट का मतलब हो गया, वहाँ हमने मीटिंग हॉल को डिफाइन कर दिया। अब मैं आती हूँ मीटिंग हॉल एक जो होता है जो सिर्फ स्टाफ के लिए होता है, उसमें क्या होता है स्टाफ के लिए जो मीटिंग हॉल में जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें बहुत सारी जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है स्टाफ को, जो बाहर के रीडर्स के लिए विजिटर्स के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती। उनको वहाँ जाना अलाउड ही नहीं होता, उस सेक्शन में दो पार्ट डिवाइडेड है ना, तो उस जगह तो उनका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। और वो लॉन्ग ट्रैक वो तभी खुलता है, या तो उसकी क्लीनिंग होती है तब वो जगह खुलती है, या फिर वहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तब वो जगह खुलती है। तो जैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई तो मैं या फिर एज अ लाइब्रेरी स्टाफ वहाँ जाती हूँ, सपोज मैं एक लाइब्रेरी स्टाफ हूँ और वहाँ गई, जैसे मैं एक वहाँ सभी टाइप के लाइब्रेरी स्टाफ आते हैं, हायर अथॉरिटी तो होती है, बॉटम वाली भी होती है और मतलब लोअर वाली भी होती है, तीनों होती है। तो क्या होता है हायर अथॉरिटी जो करती है उनका क्या होता है प्लानिंग करना, मतलब किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो मिडिल अथॉरिटी का होता है, जो लाइब्रेरी में मिडिल अथॉरिटी होती है उसका काम एग्जीक्यूशन का होता है। और इसका क्या होता है जो लोअर अथॉरिटी होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे MTS स्टाफ जो होता है लाइब्रेरी में वो इम्प्लीमेंट करता है, इसीलिए उनकी जो है रिक्रूटमेंट भी हायर बेसिस पर होती है, वो एक या दो स्टाफ नहीं होते। आपने कभी भी देखा हो किसी भी लाइब्रेरी में, या वो पब्लिक लाइब्रेरी हो या अकेडमिक लाइब्रेरी हो, जो लोअर पोस्ट का स्टाफ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या है हर वर्क को देखना, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसको हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कराना, यही स्टाफ करता है लोअर स्टाफ। तो ये इसीलिए इनको वहाँ पहले गैदरिंग की जाती है इनकी लोअर स्टाफ, सबसे पहले लोअर स्टाफ को ही बुलाया जाता है और वो काम जो है मिडिल स्टाफ करता है। हायर अथॉरिटी को तो पता ही होता है कि हमें ये काम बताना है, वो लोग तो उनकी कमिटी होती है, मिल के वो प्लान तैयार करते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताते हैं सारी चीज़ सारे स्टाफ के सामने। लेकिन क्या मीडियोकर की तरह रोल प्ले करता है मिडिल स्टाफ, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो असिस्टेंट स्टाफ उसको कैरी आउट कर लेता है और उसको मतलब कैरी करके उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर देता है, जो हायर अथॉरिटी के बीच में जो और लोअर अथॉरिटी में के बीच में जो गैप हो रहा होता है मीटिंग्स में। तो अगर जूनियर स्टाफ इतना एफिशिएंट नहीं भी है, इतना पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो वो मिडिल स्टाफ के थ्रू वो काम कंप्लीट होता है। बेसिकली मीटिंग रूम में ये चीज़ होती है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स या कोई भी इम्पॉर्टेंट प्लान मीटिंग हॉल में डिस्कस होता है, और या कोई भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर हम कर रहे हैं तो मीटिंग हॉल में पूरा प्लान किया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा,
हर एक स्टाफ को उसको समझाया जाएगा और उसका प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन भी किया जाएगा। तभी प्लानिंग की बहुत ही, हर चीज़ में प्लानिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है और प्लानिंग हमेशा हेड स्टाफ ही करता है। एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन वह स्टाफ करते हैं। तो मीटिंग हॉल हर तरह से किसी भी लाइब्रेरी में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, स्पेशली स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहाँ जो है बहुत ही ऑफिशियल चीज़ें ही डिस्कस की जाती हैं, उनको बिल्कुल भी जो है शेयर नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंशियल लेवल पर रखी जाती है किसी भी रीडर्स को या विजिटर्स को। वो हर एक लाइब्रेरी की जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लाइब्रेरी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं विद इन लाइब्रेरी स्टाफ, बाहर का कोई रोल नहीं होता। और जो मैंने आपको एक और जो सेपरेट पार्ट करके बताया ना रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे भी अगर आप मीटिंग रूम में जाएंगे तो वहाँ पे स्टाफ का ही ज़्यादा रोल होता है, स्टाफ ज़्यादा रहता है और वो उन्हीं रीडर्स को इनवाइट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रीडर्स हैं और सीरियस बेसिस पर लाइब्रेरी में विजिट करते रहते हैं। क्योंकि उन रीडर्स को क्या है, लाइब्रेरी की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन होती है और जब वो रोज़ उस चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें ये भी पता लग जाता है कि लाइब्रेरी में क्या क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। और इन अगर कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी वो लोग वहाँ पे अपनी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो इसीलिए उन सिंसियर रीडर्स को वहाँ इन्वाइट किया जाता है ताकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके जो स्टाफ कैरी नहीं कर। तो फ्रेंड्स, अब मैं मीटिंग हॉल को आपसे वन लाइन में डिस्कस करूँगी और इसको सम अप भी कर दूँगी, ठीक है। तो मीटिंग हॉल क्या है, मीटिंग हॉल इज अ प्लेस टू डिस्कस द थिंग विच इज कॉन्फिडेंशियल टू द लाइब्रेरी स्टाफ एंड अनदर इन अनदर सेक्शन रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज इन्वाइटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आज का आपका लाइब्रेरी मीटिंग रूम का वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है पहली बात तो प्लीज़ आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को लाइक करें और प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर भेजें। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, आप अगर कमेंट्स देंगे तो मैं वीडियो को अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि क्या है, रीडर्स ही या फिर मतलब मैं रीडर्स तो नहीं कहूँगी, ऑब्जर्वर ही ज़्यादा जो है मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। इसीलिए मैं डायरेक्ट उन्हीं से ही चाहती हूँ कि वो अपने कमेंट्स से, ताकि वीडियो और अच्छे से इम्प्रूव हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है मेरा चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।